वहीं हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अनिल विज के निशाने पर अक्सर विपक्षी दल रहते हैं, विरोधी नेता रहते हैं और एक बार फिर से उनकी ओर से निशाने पर विरोधियों को लिया गया है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कई अहम मुद्दों को लेकर अनिल विज ने बात की। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है सुनिए। ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैंने भी वो फोटो देखी, राहुल गांधी ने जब अपने माता जी के चप्पल को ठीक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अच्छी बात है। अब इसमें फर्क निकालना कि ये ठीक है ये गलत है, ये तो मातृत्व का अपमान है। कम लड़ती है ज्यादा लड़ती है, इसीलिए ये डिस्टर्ब रहते हैं। इन्होंने तो अपना राज बता दिया, ये डिस्टर्ब क्यों रहते हैं, इसीलिए तो रहते हैं। घर में लड़ाई है तो बाहर कोई क्या कर लेगा, बाहर का क्या सवार लेगा। इनको सारे काम छोड़ के पहले घर की लड़ाई को ठीक करना चाहिए। सरकार जो है वो उसके ऊपर सारा ध्यान रखे हुए है, जैसे ही सैंपलों की रिपोर्ट आएगी फिर करेंगे कार्रवाई। अब ये जो छोटी मानसिकताएँ हैं ना, इनसे सारों को बाहर निकलना अगर देश को आगे लेके जाना है। क्या फर्क पड़ता है इसमें, ईद होती है सभी धर्मों के लोग वहां जाते हैं, दूसरे त्योहार होते हैं सभी जाके उनके शामिल होते हैं। तो आप इन चीजों से अगर इन्हीं में फंसे रहोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओ, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा।